आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एमसीक्यूज, सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 201, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 202, वासा वसोरम रेफर्स टू द वेसल्स ऑफ वेसल्स दैट आर न्यूट्रेटिव इन फंक्शन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Question number 203, when there is a sudden loss of blood from the body, the organ which supply blood is spleen, heart, liver, lung. तो spleen को जो है वो blood bank कहते हैं, और अगर blood loss हो गया है body से तो spleen जो है वो blood supply करता है। Question number 204, coagulation of lymph is faster than blood, not possible, slower than blood. अ पैसिव प्रोसेस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। जो लिम्फ की कोएजुलेशन है वो स्लोअर होती है ब्लड से, क्योंकि लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, एन आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ वेन इन हैविंग थिकर वॉल, लेसर ल्यूमन आर नो वॉल्स, ऑल ऑफ द अबव, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। कि आर्टरी की जो वॉल होती हैं वो थिकर होती हैं, उनके अंदर जो ल्यूमन होता है वो भी कम होती है इन स्पेस, और उनकी जो वाल्व्स होती हैं सॉरी उनके अंदर जो है कोई वाल्व्स भी नहीं होते, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 206, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन इज लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, म्यूकोसा ऑफ इलियम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। इलियम के अंदर जो है वो म्यूकोसा के अंदर चंद स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं जिन्हें पेयर पैचेस कहते हैं, उनके अंदर जो है वो लिम्फ फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 207, रेनल पोर्टल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज सिग्निफिकेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फैट्स बाय किडनी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द किडनी, फॉर सप्लाइंग ब्लड फूड टू द किडनी, फॉर ड्रेनिंग ब्लड फॉर द किडनी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जो रेनल पोर्टल सिस्टम है वर्टिब्रेट्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी के अंदर रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, रिमूवल ऑफ विच ऑर्गन विल हैव लीस्ट इफेक्ट इन एडल्ट ह्यूमन, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास, पिट्यूटरी, तो अनफॉर्चुनेटली अगर स्प्लीन डैमेज हो जाता है तो उससे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 209, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, किडनी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। स्प्लीन को जो है वो रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 210, द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियाज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 211, ब्रैंकियल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द नेक, फोर लिम्स, चेस्ट, एब्डोमेन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जो ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं वो फोर लिम्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 213, इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ह्यूमंस, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल वेन्स ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 इज वेनस ब्लड इज रिटर्न टू द लेफ्ट ओरिकल, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 है आर्टरीज आर प्रोवाइडेड विद वाल्व वाइल वेन्स आर डिवाइड टू द वॉल्स, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, वाइल वेन ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 214, अ वेन इज डिफरेंट फ्रॉम एन आर्टरी इन हैविंग स्ट्रांग मस्कुलर वॉल्स, नैरो ल्यूमन, वॉल्व्स कंट्रोल्ड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अपोजिट टू द हार्ट, तो ये करेक्ट आंसर है कि वेन के अंदर जो वॉल्व्स होती हैं और ब्लड फ्लो को जो है कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, ब्लड सर्कुलेशन दैट स्टार्ट्स इन द कैपिलरीज एंड एंड इन कैपिलरीज इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
Question number 216. What is true about vein? All veins carry deoxygenated blood. All veins carry oxygenated blood. Option 3 is they carry blood from organs towards the heart, or they carry blood from heart towards the organs. So correct answer is option 3. Veins jo hain wo blood ko different organs se heart ki taraf lekar aati hain. Question number 217. In mammals, the role of spleen is to act as graveyard of red blood cells, as a reservoir of blood, hematopoietic organ, all. So correct answer is option 4. कि स्प्लीन जो है वो रेड ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड भी है और ये ब्लड को स्टोर भी करती है और हीमोपोएटिक ऑर्गन भी है, यानी ब्लड सेल्स भी इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 218. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाल्वलेस? आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, चैम्बर्स इन द हार्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वाल्व एब्सेंट होते हैं. Question number 219. Which of the following carry deoxygenated blood only? Carotid artery, pulmonary artery, pulmonary vein, aorta. So correct answer is option 2. Pulmonary artery के अंदर जो है वो deoxygenated blood होता है, जो कि वो heart से lungs की तरफ लेकर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें, उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 220. विच वेसल कैरी मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो पल्मोनरी वेन के अंदर जो है मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 221. इन अ पोर्टल सिस्टम इन मैन, a vein starts from an organ and ends in a heart. Option 2 is a vein enter into the organ other than the heart and breaks up into the capillaries. तो यही correct answer है कि एक vein जो है वो enter होती है किसी दूसरे organ में except heart और फिर वहाँ जाकर वो capillaries में तब्दील हो जाती है. Question number 222. Which artery is absent in frog? Renal artery, carotid artery, phrenic artery, right systemic artery. So correct answer is option 3. Phrenic artery जो है वो diaphragm को blood supply करती है और हम जानते हैं कि diaphragm सिर्फ mammals और इसके अलावा crocodile के अंदर होती है. तो frog के अंदर phrenic artery जो है वो क्या होगी? Absent होगी. Question number 223. Lymph transports oxygen to the brain, transport carbon dioxide to the lungs, or returns interstitial fluids to the blood. तो यही correct answer है कि जो lymph का important काम है वो ये क्या करता है कि interstitial fluid को blood की तरफ वापस ले आता है. Question number 224. Glucose is carried from the digestive tract to the liver by hepatic portal vein. So correct answer is option 2. Question number 225. Pulmonary artery is different from pulmonary vein in having thick wall, thin wall, valves, both 2 and 3. So correct answer is option 1. जो pulmonary artery होती है उसकी valve जो है वो thicker होती हैं as compared to pulmonary vein. Question number 226. Blood pressure is measured by sphygmomanometer. So correct answer is option 1. Question number 227. All veins have deoxygenated blood except pulmonary vein, जिसके अंदर oxygenated blood होते हैं. Question number 228. Normal pulse pressure is 80 mmHg, 120 mmHg, 40 mmHg, 320 mmHg. So correct answer is option 3. जो पल्स प्रेशर होता है नॉर्मल, उसका जो रेट है वो है 40 mmHg. क्वेश्चन नंबर 229. फुल्ली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू द लीवर बाय मींस ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 230. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ?
तो लिम्फ जो है वो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स और सीरम होती हैं। ये ऑप्शन टू है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स। तो यही करेक्ट आंसर है कि अगर ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स निकाल दें तो फिर हम ब्लड को नाम देंगे किस चीज़ का, लिम्फ का। क्वेश्चन नंबर 231, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल इन रैबिट स्टार्ट्स विद कैपिलरीज एंड एंड इन कैपिलरीज। तो उसको हम नाम देते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन का, कि वो कैपिलरीज में जाती है और फिर एंड स्टार्ट भी कैपिलरीज से होती है और एंड भी कैपिलरीज के अंदर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 232, लिम्फ वेसल पोअर देयर मटीरियल इन सबक्लेवियल वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी विच इंटर इन द लेग्स आर राइट वेंट्रिकल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, लिम्फ वेसल जो हैं वो अपने मटेरियल्स इंटर करती हैं सब क्लेवियल वेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 233, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैज मोर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, प्री केवल वेन, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, पल्मोक्यूटेनियस वेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी जो फ्रॉग के अंदर होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्वेश्चन नंबर 234, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, किडनी टू लीवर, लीवर टू हार्ट, लीवर टू किडनी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होते हैं और मटेरियल्स को लेकर जाता है लीवर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 235, ब्लड लीविंग द लीवर एंड मूविंग टू द हार्ट विल हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, यूरिया, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स। सो ग्रेट आंसर इज ऑप्शन टू, कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है और जब वो लीवर में होता है तो लीवर उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है। जो ब्लड लीवर से लीव करेगा और हार्ट की तरफ जा रहा होगा तो उसमें यूरिया होगी। क्वेश्चन नंबर 236, मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम इज फाउंड इन हार्ट, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, वेन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ए सरफेस एरिया है वो कैपिलरीज का है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 237, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 238, द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ सिंगल सेल थिकनेस, ब्लड कैपिलरी, आर्टरी, वेन्यूल, आर्टरियोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ब्लड कैपिलरी जो है वो सिंगल लेयर, सिंगल सेल थिकनेस जो है वो उसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 239, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम और वीकनिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, इनसफिशेंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, कि कोरोनरी हार्ट डिजीज तब होती है कि जब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई इनसफिशेंट हो जाती है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस अबाउट ब्लडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।